बेलगाना से बड़ी खबर है। धान उपार्जन केंद्र बेलगाना में उपकेंद्र स्थल निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बेलगाना से आ रही है। धान उपार्जन केंद्र बेलगाना के उपकेंद्र स्थल निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। मीडिया के सवालों का नहीं मिला संतोषप्रद जवाब। धान खरीदी उपकेंद्र के लिए जिद पर अड़े किसान, उग्र आंदोलन की दे रहे चेतावनी। कोई चर्चा नहीं, हमसे कोई बात नहीं किए, अपने आए और बात किए, जनता लोगों से कोई बात नहीं किए। और जनता लोग इतना परेशान है बेलगहना मंडी के चलते कि वहाँ 24 घंटा से 26 घंटा भी लगता है, पर भी से किसानों का धान तौल नहीं होता है। अगर प्रशासन ये उप मंडी नहीं करता है तो बेलगहना से आश्रित करके यहाँ मंडी करे, नहीं करेगा तो शासन के प्रति हम अपना किसान लोग उग्र आंदोलन करने के लिए फुल तैयार हैं। जनता इतना कमजोर न समझे शासन। अपना परिचय देंगे। मैं रोहित कुमार जायसवाल, ग्राम दारसागर, कुपावांधा से। बिलासपुर जिले के बेलगहना धान खरीदी केंद्र का है मामला। 25 नवंबर को होनी थी उप केंद्र में धान खरीदी। किसानों की मांग को मंडी अध्यक्ष राजेश कश्यप ने ठहराया जायज। कृषि उपज मंडी अध्यक्ष राजेश कश्यप ने कहा 1,61,000 क्विंटल धान खरीदना अथवा व्यवस्था बना पाना एक स्थल पर मुश्किल। हमारे द्वारा दो उपकेंद्र की मांग लगातार की गई है, अस्थायी व्यवस्था ही क्यों ना हो, किसानों के हित में होगा फैसला। धान खरीदी होना है जो जिले में सबसे बड़ा है और बहुत ही समस्या आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दो उपकेंद्र खोलने का मांग किसानों द्वारा और समिति के द्वारा भी लगातार रखा जा रहा है। हम लोगों ने पिछले 2 माह से इस प्रयास में लगे हैं कि बेलगहना धान खरीदी केंद्र के अंतर्गत एक दारसागर में और एक सिमरिया में उप धान खरीदी केंद्र खुल जाए। इसी प्रयास में हम जिला कलेक्टर श्रीमान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, श्री अरूर साहू जी, इन सभी से निवेदन किए हैं, उनको आवेदन दिए हैं और कलेक्टर महोदय ने इसको संज्ञान में लेते हुए प्रयास चालू भी कर दिया था और मौखिक आदेश दे के दारसागर खरीदी केंद्र में पूरा तैयारी समिति द्वारा करा लिया गया है। लेकिन किन्हीं तकनीकी कारण से यह धान खरीदी केंद्र प्रारंभ नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित ऐसी है, निश्चित ही हम और प्रयास करेंगे और अपने नेताओं से आग्रह करके धान खरीदी केंद्र को, उप केंद्र को खुलवाने का प्रयास करेंगे। राजेश कुमार कश्यप, अध्यक्ष, धान खरीदी केंद्र बेलगहना। बेलगहना से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देखते रहिए CG Vision TV।